हेलो फ्रेंड्स, मैं फैसल अली, डिस्ट्रिक्ट वाणीपुर से, वुशु मार्शल आर्टिस्ट। आप सब के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो दौर चल रहा है, सब लोगों को पता है, पूरी दुनिया जो कोविड-19 से, इस वक्त पूरी दुनिया जो फाइट चल रही है, पूरी दुनिया की फाइट जो कोविड-19 के साथ, जिस तरह आप देख सकते हैं चाइना जितनी भी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज़ है, पूरी दुनिया में फैल चुका है ये वायरस। तो मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग घर में बैठिए और जो एडवाइजरी इस वक्त गवर्नमेंट है उनका जो ऑर्डर है उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ताकि हम इस चेन को ब्रेक कर सकें। ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब तक ना हम चेन को ब्रेक करेंगे, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। आप देख सकते हैं कि चाइना में क्या हुआ, चाइना ने इस चीज़ को कैसे कम किया। उन्होंने लॉकडाउन पे बड़ा कॉपरेट किया, लोगों ने कॉपरेट किया। वुहान से जो ये वायरस निकला, पूरी दुनिया में जो फैल चुका है, इसके लिए हम एक ही चीज़, हमारे पास ना कोई वैक्सीन है, ना कोई हमारे पास ऐसा कोई इलाज है इस वक्त जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। एक ही इलाज है हमारे पास, हम सब लोगों के पास, कि हम अगर घर में बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा मेडिकल स्टाफ जो वॉलंटियर्स बेचारे इतना दिन रात काम कर रहे हैं, अभी उतना यहाँ पर लोड नहीं आ पाया है हमारे मेडिकल स्टाफ है। अगर अल्लाह ना करे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो आप उनका भी सोचें कि वो कैसे मैनेज कर पाएंगे, हम कैसे इस चीज़ को रोक पाएंगे। बेहतर यह है कि अभी जहाँ तक हम चले हैं, जहाँ तक हम कर रहे हैं, इसको और हम मजबूती से हम घर में बैठें और कॉपरेट करें अच्छे से, ताकि हमें जितनी भी ट्रैवल बंदा हमें बाहर से आता है, और जल्द से जल्दी उसका अपने हम घर में बैठेंगे हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक सोशली भी हम काम कर रहे हैं, हमने देखा कि कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि ये माजरा है क्या। लोगों को लग रहा है कि कुछ पता नहीं, ऐसा नॉर्मली कुछ कर्फ्यू है तो ऐसे ही लगा है, तो शाम को डील हो जाएगी, या ऐसा कुछ है तो हम फिर बैठ के गपशप मारेंगे कहीं मोड़ पे, कहीं दुकान पे। ऐसा कुछ नहीं है। मेहरबानी करके इस चीज़ को बड़ा सीरियस लीजिए। अगर हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, तो हम आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम कहाँ पहुँचेंगे। आप देख सकते हो कि इटली का हाल क्या है, अमेरिका का हाल क्या है, मतलब पूरा अभी पूरी दुनिया जल रही है। तो मेहरबानी करके घर में बैठिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।